स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ आईओक्यूएम केवी। सो क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ वाई, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ वाई। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से देर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, ये वाला जो नंबर रहेगा, ये नंबर, ये 6 बड़ा होगा इस नंबर से, x माइनस 10 से। और एक और चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर इनका मल्टीप्लीकेशन इस फॉर्म में है 2 रेज टू द पावर ऑफ वाई, तो ये दोनों नंबर्स भी किस फॉर्म के होंगे, ये भी इसी फॉर्म के होंगे, 2 रेज टू द पावर ऑफ सम पावर। ठीक है, वो आपका a मान लेते हैं इस केस में, और यहां पे हम मान लेते हैं b। ये इसलिए होता है बिकॉज अगर इस केस में हम ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी हमारा रिजल्ट आएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ वाई के फॉर्म में, और वो भी तब जब यहां पर इन दोनों नंबर्स में 6 का डिफरेंस हो। ठीक है, सो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ a इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ b। ठीक है, और अब देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 6 का, तो इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का होगा, 6 का। और यहां पर कौन सा नंबर बड़ा होगा, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, इट मींस 2 रेज टू पावर ऑफ a इज ग्रेटर देन 2 रेज पावर ऑफ b, और कितना बड़ा होगा, मींस डिफरेंस इनका होगा 6 के इक्वल। अब देखिए हमें यहां से इस इक्वेशन से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 की पावर में है दोनों नंबर्स, तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस आपका 6 होगा। सो सपोज सबसे पहले हमने नंबर ले लिया 2 टू द पावर ऑफ 1, देन 2 रेज टू पावर ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। सो इसका मतलब होगा कि 4, 8, 16 एंड 32, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। सो जैसे जैसे इसकी पावर इंक्रीज होगी वैसे यहां पर ये जो गैप है ये इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो बड़ी पावर्स में इसका डिफरेंस आपका 6 नहीं आएगा। तो यहां पर कौन कौन सी पावर्स में इसका डिफरेंस 6 आ सकता है, देखिए 2 रेज टू पावर ऑफ 3 मीन्स 8 एंड 2 रेज टू पावर ऑफ 1 मीन्स 2। सो इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ये कितना होगा, 6 का। इट मीन्स यहां पर जो 2 रेज पावर ऑफ a है दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज पावर ऑफ 3 एंड 2 रेज पावर ऑफ b, इसका मतलब है ये 2 रेज पावर ऑफ 1। ठीक है, तभी आपका 6 आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो अगर a इज इक्वल्स टू 3 b इज इक्वल्स टू 1 है तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू। सो हमें यहां पे क्या दिया हुआ था, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर ऑफ a। ठीक है, तो यहां पर हम a की जो वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 रेज पावर ऑफ 3। सो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4, इट मीन्स कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। अब आप x की वैल्यू 12 यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 रेज पावर ऑफ b। तो इस केस में कितना होगा, 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 10। सो x की वैल्यू यहां से भी आपकी 12 ही आएगी। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है वैल्यू ऑफ x प्लस y। सो y की वैल्यू हम यहां से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 12। ठीक है, तो x की जब हम 12 वैल्यू यहां पे रखेंगे, सो 12 माइनस 4 8 इंटू 12 माइनस 10 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज पावर ऑफ y। सो 16 इज इक्वल्स टू 2 रेज पावर ऑफ y एंड 16 मीन्स 2 रेज टू पावर ऑफ 4। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं 16 मीन्स 2 रेज पावर ऑफ 4। सो यहां से जब कंपेयर हम करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 12, और y की आई आपकी 4। सो x की 12 प्लस y 4, इट मीन्स कि 16 आपका होगा इसका आंसर। ठीक है, सो सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपका ये रहेगा कि यहां पर जो दोनों नंबर गिवन थे, ये वाले जो नंबर गिवन थे x माइनस 4 इंटू x माइनस 10, तो यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का होगा, 6 का। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 रेज टू द पावर ऑफ y फॉर्म में है, इट मींस कि ये दोनों नंबर्स भी इसी फॉर्म के होंगे। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करने के बाद इसका जो डिफरेंस रहेगा वो किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल। ठीक है, और 6 के इक्वल अगर हुआ तो हम यहाँ पे हीट एंड ट्रायल से देख सकते हैं, द ओनली वैल्यू ऑफ ए एंड बी विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन विल बी ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1। और ए 3 बी 1 फाइंड आउट करने के बाद हम इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट कर ली तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करी तो हमें x और y की वैल्यू यहां बतानी, तो इजीली हमने सम करके बता दिया। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा।
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.